लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को होगा, जिस पर हमजा शहबाज और परवेज इलाही ने इतफाक कर लिया है। 22 जुलाई तक हमजा शहबाज ही वज़ीर-ए-आला रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद का इजहार किया है कि डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें वक्फ करेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के साथ मुल्क में जेर हिरासत 682 भारतीय कैदियों की एक फहरिस्त का तबादला किया है, जिसमें 49 शहरी और 633 माहीगीर शामिल हैं। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की सहेली फरज शहजादी उर्फ फरा गोगी को फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने पर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साबिक सीईओ और सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीक इंसाफ की पंजाब में 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने तरजीही लिस्ट के मुताबिक मुजवजा मेंबरान से डिक्लेरेशन मांग लिया है। वाजह रहे कि पीटीआई के मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले 5 एमपीएस को हमजा शहबाज की वजारत आला का वोट देने पर डी सीट किया गया था।